दोस्तों, आईपीएल एक कैश रिच लीग है जहाँ खेलने वाले लोगों की किस्मत भाई हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन देखिए, ऐसा तभी होता है जब आप इस लीग को उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितनी कि ये आपको देती है, वरना आपकी लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती है। आज बात करेंगे दोस्तों एक इंटरनेशनल अंपायर के बारे में जिसने 170 मुकाबलों में अंपायरिंग की और अब उनकी ये हालत हो चुकी है कि वो मार्केट में जूतों की दुकान खोल के बैठे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असद रऊफ की। इनके बारे में पूरी डिटेल में आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि भाई ये फर्श से लेके अर्श तक कैसे पहुंचे। लेकिन उसको जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और संग में बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। दोस्तों, असद रऊफ जो कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बीच में उठा बैठा करते थे और आज उनकी दुनिया लाहौर के बांदा बाजार में जूते बेचने तक ही सीमित हो गई है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 से। पाकिस्तान के क्रिकेटर असद रऊफ ने अंपायरिंग करना शुरू किया। वैसे तो असद राइट आर्म स्पिनर और सॉलिड मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन उनका करियर उतना नहीं चमका जितनी उनको उम्मीद थी और आखिर में उन्होंने अंपायरिंग करनी शुरू कर दी। अंपायरिंग की शुरुआत उन्होंने पाकिस्तान के लिए की और लगभग 4-5 साल में उन्होंने अंपायरिंग में अपना सिक्का जमा लिया और 2013 आते आते ICC के एलीट पैनल में उन्हें शामिल कर लिया गया। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि एलीट पैनल क्या होता है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एलीट पैनल वो पैनल होता है जिसमें हाई लेवल के मैचेस देखने के लिए अंपायर्स को ऐड किया जाता है और इस पैनल के अंपायर्स अलग अलग जजमेंट्स का भी हिस्सा होते हैं। इस पैनल में हर देश से लगभग एक या ज्यादा दो अंपायर्स को ऐड किया जाता है। एलीट पैनल में शामिल होने का फायदा असद को ये हुआ कि आईपीएल के दरवाजे उनके लिए खुल गए। उनका अंपायरिंग करियर काफी अच्छा जा रहा था और 2012 में वर्ल्ड कप मुकाबलों में भी उन्होंने अंपायरिंग की थी। हालांकि 2012 जहां उनका इतना अच्छा साल था, किसी को नहीं पता था कि 2013 उनके लिए बुरा साबित होगा। 2013 वाले आईपीएल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग की घटनाएं हुई थी और उसमें श्री संत जैसे खिलाड़ियों का भी करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। असद भी उसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा थे और उन्हें BCCI ने इस स्कैंडल में खिलाड़ियों के साथ बराबर का दोषी पाया। उन पर दो आरोप लगे। पहला ये कि वो सटोरियों से गिफ्ट लेते हैं। जी हाँ, BCCI के पास ये सबूत थे कि रऊफ ने कई सारे महंगे महंगे गिफ्ट सटोरियों से लिए थे जो कि उनको गलत या फिर मनचाहे फैसले लेने के लिए दिए जाते थे। दूसरा जो संगीन आरोप उनके ऊपर लगा था वो ये था कि रऊफ खुद भी अंपायरिंग पर सट्टा लगाते थे। एक अंपायर जो कि मैदान पर खेल भावना को बढ़ावा देने और न्यूट्रल रहने के लिए जाना जाता है, उसके साथ सट्टे जैसा शब्द सुनकर कितना बुरा लग रहा है। रऊफ से जब इस बारे में पूछा गया तब रऊफ ने कहा कि ये सब इल्जाम BCCI के मन से बनाए गए इल्जाम है और इन आरोपों में किसी भी तरह की कोई भी सच्चाई नहीं है। उनसे कहा गया कि अगर इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है तो क्या आप खुद को कोर्ट में पेश करना चाहेंगे। इस पर रऊफ का सीधा सा जवाब ये था कि BCCI ने आरोप लगाया है तो BCCI खुद ही फैसला सुना ले। रऊफ का ये एटीट्यूड इतना बड़ा क्राइम करने के बाद था। वैसे हम अचानक से ब्लेम्स को क्राइम क्यों कहने लग गए, इसका सबसे बड़ा कारण है साल 2016। साल 2016 वही साल है जिस साल स्कैंडल और स्पॉट फिक्सिंग पर पूरी तरह से फैसला लिया गया और दो टीमों को बैन भी कर दिया गया। उसी साल ये फैसला लिया गया कि रऊफ बराबर के दोषी हैं और उन पर भी 5 साल का बैन लगा दिया। रऊफ का बैन 2021 में खत्म हुआ और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप दोबारा अंपायरिंग करेंगे तब उनका कहना था कि मैं किसी काम को जब एक बार छोड़ देता हूं तब हमेशा के लिए छोड़ देता हूं। वैसे आप में से कुछ को जरूर लग रहा होगा, क्या पता रऊफ सच में आरोपी ना हो। साल 2013 को छोड़कर आपको ले चलते हैं दोस्तों साल 2012 में, जहां एक बार फिर से रऊफ का नाम कंट्रोवर्सीज में था। वो भी इसलिए क्योंकि एक चीयर लीडर का उन्होंने शारीरिक उत्पीड़न किया था और उसके बाद उससे शादी करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, ये सब रऊफ के साथ ही क्यों हो रहा था? क्या वो सच में बेगुनाह थे? कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जवाब है नहीं। तो दोस्तों, ये थी असद रऊफ की कहानी जिन्होंने 170 इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग की, दुनिया की सबसे महंगी लीग के अंपायर रहे, ICC के एलीट पैनल में शामिल हुए और आखिर में अपने लालच के कारण डूब गए। अभी अगर आप इन्हें ढूंढना चाहें तो लाहौर के लंदा बाजार में जूतों के दुकान में आप इन्हें ढूंढ सकते हैं। जो गेम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा दोस्तों, गेम उसकी रिस्पेक्ट कभी भी नहीं करेगा। इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि हमेशा ईमानदारी से काम करें और सच्चाई के रास्ते पे चलें, क्योंकि बुरे काम का नतीजा चाहे देर से मिले लेकिन वो बुरा ही मिलेगा। तो आप भी अपनी जिंदगी को ईमानदारी के संग जिएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही शानदार केस स्टडी फैक्चुअल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, संग में बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय-बाय।